यहाँ से आप कोच में ही जाएंगे, मगर वहां से आपको गधा गाड़ी सर्विस मिल जाएगी। यार मैं ऐसे कैसे चला जाऊं गधा गाड़ी के अंदर? यार मैंने यानी हनीफ राजा ने प्रैंक करने के लिए अपने एक कैरेक्टर को बिठाया बस अड्डे पर। बस अड्डे पर जो बुकिंग होती है कराची से हैदराबाद, लाहौर और पूरे पाकिस्तान में बसें जाती हैं, वहाँ लोग बुकिंग कराने आते हैं, लेकिन मेरे कैरेक्टर ने उनके साथ किया क्या? भाईजान ये आपकी टिकट है, हाईवे पे हमारी कोच रुक जाएगी, सामने साइकिलों का स्टैंड है, अपनी मर्जी से कोई भी साइकिल पसंद कीजिएगा, और हैदराबाद ज्यादा दूर नहीं है, एक आध घंटे में आप पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं यहाँ से आप कोच में जाएंगे। अरे अरे साइकिल पे? जी हाँ जी। ठीक है ठीक है यान, मैं अबे ठीक है, खाना वाना खा के आया कर रहे भाई यान, बात तो सुन ले मेरी, पहले बात तो सुन ले, बात सुनने वाली हो तो सुनूंगा ना मैं। भाई साहब का नाम असलम समाना। हमारी जो बस है ना वो तो फुल हो चुकी है। अच्छा ठीक है, स्पेशल। हाँ तो आपके लिए स्पेशल जगह निकाली है, छत के ऊपर बैठ के जाइएगा, आराम से बिल्कुल इजी हो गए, लेकिन छत भी फुल है। किसकी छत पे? कोच की छत पे। डबल डेकर बस है, पहले ये तो बताएं, मैं बस तो ये सिंगल दिख रही है, आप मुझे कह रहे हैं छत पे बैठे। भाईजान मैं आपसे इतनी देर से अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ से आप कोच में ही जाएंगे, मगर वहाँ से आपको गधा गाड़ी सर्विस मिल जाएगी। यार मैं ऐसे कैसे चला जाऊँ गधा गाड़ी के अंदर? यार मेरे को कोच में जाना है, फिर वो गधा गाड़ी की बात। भाई यहाँ से रोज पैसेंजर जाते हैं इसी तरीके से। कैसे जाते हैं पैसेंजर? यार हमने जो है दरी बिछा दी है। दरी पे बैठ के क्या करेंगे, कुछ चने पड़ने हैं यहाँ पे? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप आराम से ठंडी हवा खाते हुए ऊपर जाइएगा, छत के ऊपर। मुझे ठंडी हवा खानी हो, मैं एसी के बस के पैसे दूं आपको। बहुत देर तक मैं आपकी बात बर्दाश्त कर चुका हूं, अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसको ले और आप जो है ना पैसे वापस करें, और पैसे वापस नहीं कर रहे तो मैं आपसे बस। अच्छा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। ये हाईवे पे जाके ना कुछ दूर यानी के दरमियान में जो है रुक जाएगी, वो आगे जाते हुए ना हमारी बस शर्माती है, तो वहाँ से फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। करीब ही भी बातें कर रहे हैं आप यार, फैमिली के साथ हूँ भाई मैं, इसीलिए कह रहा हूँ ना भाईजान, हमारी बस आगे जाते हुए शर्माती है, तो वो वहाँ से शर्माने से क्या ताल्लुक है बस का यार? कैसी आप बातें कर रहे हैं भाई, दिमाग ठीक करो अपना। क्या हो गया भाई, भड़क क्यों रहे? यार भड़क क्यों रहे? क्या साइकिल पे जाऊंगा मैं हैदराबाद? क्या आपसे क्या बात कर रहे हो मेरे? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप मेरी बात तो सुन रहे हैं। तुम्हारी बात कर सुनो भैया मैं। भाई देखिए, आपने कभी साइकिल पे साइकिल चलाई है? आपने क्यों चलाऊँ साइकिल में? देखिए ना, आपने कभी वट में जाना है? वट में जाऊंगा मैं, साइकिल क्यों चलाऊँ? आपने कभी साइकिल नहीं चलाई होगी? नहीं भाई मैंने साइकिल मैं भी यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप इसी बहाने साइकिल भी चला लेंगे ना? भाई नहीं चला रही मैंने साइकिल, ये पकड़ो टिकट, बहुत बसें हैं जाने के लिए। पैसे मेरे आप वापस करें प्लीज। भाई जान देखिए, आप ये टिकट रखिए, आप पहले गौर कीजिए मेरी बात पर, देखें आराम से बातें करते हुए जाएंगे, सफर भी मजे से कट जाएगा, और ज्यादा दूर थोड़ी। यार नहीं जाना मुझे भाई इस तरह की कोई सर्विस में, किसी और गाड़ी में चला जाऊंगा। यहाँ से तो आप कोच में बैठ रहे हैं ना, यहाँ से कोच में बैठने का फायदा कि यहीं से भी साइकिल से चलिया हूँ ना मैं, यहीं भी साइकिल का स्टैंड लगा लो, उसमें बहुत फायदा है। ऐसी कौन सी गाड़ी मिलेगी आपको आधे रास्ते में साइकिल में देगी? अच्छा मेरी बात सुनिए आप, 80 मेरी बात भाई पकड़िए टिकट, बात बात नहीं सुननी। 80 रुपए में दो मजे नहीं चाहिए मुझे, दो मजे कोच भी साइकिल भी। भाई जान आप कोशिश तो करें यार, पैसे वापस करो, खत्म करो, मैंने सभी से नहीं जाना। भाई जान देखिए, ये टिकट तो कट चुका है, इसके पैसे तो हम वापस नहीं कर सकते, प्लीज आपको जाना है। टिकट भी अपने पास रख लो ठीक है, मुझे सभी से जाना ही नहीं है। अरे भाई जान, अच्छा इधर तो आइए, इधर आइए, क्यों जाना नहीं चाह रहे आप? यार आधे रास्ते में उतार के साइकिल में भेजोगे मुझे तो। हमारे कैरेक्टर ने बताया कि भाई आप नाराज ना हो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है हनीफ राजा के शो की, आपके साथ प्रैंक किया है। लीजिए जनाब, उनका मूड बेहतर हो गया है और वो कैमरे को देखकर हाथ भी हिला रहे हैं।